लिथुएनिया, जिसको कि यूरोप का जी स्पॉट भी कहा जाता है, कुछ अजीबोगरीब सा नाच गाना, कुछ डरावनी सी जगह, इनकी राजधानी के बीचों बीच बना हुआ एक अलग देश जहाँ पे कि फ्री में बियर मिलती है, और यहाँ पे इंडियंस की लाइफ कैसी है, ये सब आने वाला है इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवांग और आज हम हैं लिथुएनिया में। तो एक्चुअली आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो था मेरा स्वालबार्ड में, बनाया था लास्ट वीडियो, और उसके बाद स्वालबार्ड से फिर मैं वापस ऑस्लो आया, ऑस्लो से स्वीडन गया, वहाँ से मैंने क्रूज़ लिया और मैं पहुँच गया एस्तोनिया, और एस्तोनिया से फिर लातविया आया, फिर यहाँ पे आया। तो बहुत कुछ हुआ इन दिनों में, और एक्चुअली मैं लिथुएनिया में भी, मेरा 5वां दिन है आज, तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें देख ली मैंने 5 दिन में। सब कुछ आने वाला है इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो यार ये देखिए, ये है झंडा लिथुएनिया का और ये है झंडा यूक्रेन का। तो एक्चुअली लिथुएनिया जो है वो दो साइड से रशिया से घिरा हुआ है, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंटी रशिया सेंटीमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इनको ऑक्यूपाई करके रखा था काफ़ी सालों तक, तो वो भी बात करेंगे हम। क्योंकि यहाँ पे बसों में मैंने देखा है कि हर जगह पे लिखा हुआ है कि जो शहर का नाम है विल्नस है, तो बसों पे लिखा हुआ है कि विल्नस लव्स यूक्रेन। तो यार अभी तो देखिए, लिथुएनिया जो कंट्री है काफ़ी छोटा सा कंट्री है, लेकिन किसी टाइम पे इट वाज द बिगेस्ट कंट्री इन यूरोप। मतलब बहुत सारे कंट्री, बेलारूस, पोलैंड का भी कुछ पार्ट, और लातविया, एस्तोनिया, ये सब लिथुएनिया का ही पार्ट था। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, और कभी नाजीज़ ने और कभी सोवियत्स ने इसे कर लिया ऑक्यूपाई। लास्ट में इसको मिली इंडिपेंडेंस 1990 में सोवियत से, और उसके बाद से ये अपना अलग कंट्री है, और ये काफ़ी एंटी रशिया है। पॉपुलेशन इसकी 2.8 मिलियन, लेकिन मेजरली लोग विल्नियस में रहते हैं। इसके अलावा दो और बड़े शहर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हैं, तो इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ यूरोप। और जो इकिया है, जो अपना ब्रांड है, आइकिया बोलते हैं, कोई इकिया बोलते हैं, उसमें सेकंड मोस्ट जो बड़ा लकड़ी का सप्लायर है वो लिथुएनिया है। तो जो मोस्टली लकड़ी, जो आपके घर में, अगर आपके घर में इकिया का फर्नीचर पड़ा है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो लिथुएनिया से ही लकड़ी आई है। वो तो वैसे काफ़ी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे चर्चेज हैं यहाँ पे, लेकिन इसको बोला जाता है जी स्पॉट ऑफ यूरोप। जी स्पॉट क्यों बोलते हैं, मतलब इनकी एक कैंपेन भी थी, टूरिज्म कैंपेन, उसमें बोला कहता कि ये जी स्पॉट ऑफ यूरोप है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बढ़िया है ये, लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड, किसी को पता नहीं है कहाँ पे है। काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि लिथुएनिया कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इंडियंस भी हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं एक दो, तो उनसे भी मिलेंगे हम, तो दिखाएंगे कि लाइफ कैसी है इंडियंस की यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे फिर से झंडा है यूक्रेन का, तो आप हर जगह पे आपको यूक्रेन की सपोर्ट में झंडे देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज़ इन्होंने भी काफ़ी सफरिंग सही है, तो इनको पता है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। इनका जो ओल्ड टाउन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मतलब मेरे को 5 दिन हो गए यहाँ पे घूमते हुए, लेकिन अभी तक मेरा मन नहीं भरा। काफ़ी सुंदर सा ओल्ड टाउन है, और इसमें क्या कर रहा है कि बड़े ही इंटरेक्टिव वे से जितने भी पेंटिंग्स हैं या स्कल्पचर्स हैं ना, वहाँ पर QR कोड लगाए गए हैं, जब उनको स्कैन करते हो ना, तो जैसे दिखाता आपको मैं, आगे जाके एक पेंटिंग आएगी, उसको जब आप पेंटिंग, वो बनाई हुई है मतलब पुराने टाइम की, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली, मतलब हाँ वो भी एक फैक्ट है कि यहाँ पे 43% ज्यूज़ थे किसी टाइम पे, तो उस टाइम की एक पेंटिंग है शायद, आगे इस मोड पे ही है, और वहाँ पे QR कोड लगा है, उसको करेंगे आप स्कैन, तो जो असली फ़ोटो है वो आ जाएगी आपके फ़ोन में। उसके अलावा और भी बहुत सारी मतलब QR कोड, जैसे स्कल्पचर्स हैं, कोई मूर्तियाँ लगी हैं, तो मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी अगर आप QR कोड स्कैन करके, तो आपसे बात करेगी। तो ऐसे बहुत सारी इंटरेक्टिव वे में इन्होंने अपने कल्चर को डिपिक्ट करा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा फ़नी चीज़ और भी है कि एक, मतलब एक जगह बना दिया बीच में, इस सिटी के बीच में ही एक अलग से रिपब्लिक बना दिया, मतलब अलग से एक देश बना दिया है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की करेंसी है, उसको बोलते हैं उजुपिस रिपब्लिक। तो वो ऐसी आर्टिस्ट लोगों ने बना दिया कि यार हमारा अलग से बनाएंगे हम, मतलब उन्होंने दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस ऑन 1st of April, तो मतलब वो अप्रैल फूल वाला सीन बना दिया। लेकिन उनके पास करेंसी है, दे हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बड़ा सा एरिया है सिटी के अंदर, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, मतलब मैं वो देख चुका हूँ पहले, एक मैंने टूर लिया था, वॉकिंग टूर होते हैं, हर शहर में होते हैं यूरोप के, फ्री होते हैं, आपको टिप देनी होती है एंड में, तो ऐसे 5 यूरो 6 यूरो आप टिप दे दो एंड में, एंड वो आपको काफ़ी अच्छा टूर था, वो दो घंटे का टूर था शायद, तो उसमें देखा था मैंने वो उजुपिस रिपब्लिक, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं, मेरे ख्याल से इधर ही है, तो देखते रहिए वीडियो को, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला। और एक और चीज़ और भी है कि मैंने यहाँ पे एक रात को परफॉर्म भी किया था कैरियोके में, जो पंजाबी MC वाला गाना, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं, देखते रहिए वीडियो को।
बाकी यार इसके पहले मैंने एस्टोनिया, लातविया वो भी घूमा, लेकिन इसकी थोड़ी अलग वाइब है लिथुएनिया की, विल्नियस की। यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं हिस्टोरिक हैं। एस्टोनिया टालिन का ओल्ड टाउन बहुत सुंदर था। रीगा में भी मैंने काफ़ी मज़े करे, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया उनका कोई भी। थोड़ी बहुत मैं क्लिप्स अभी लगा दूंगा साइड में जो जो मैंने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन हाँ जाने लायक मतलब ज़रूर जाएँ आप। बाल्टिक कंट्रीज़ काफ़ी सुंदर हैं और सस्ती भी बहुत है। अगर हम बात करें लिथुएनिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो एक ऐप आती है उसमें यू कैन बाय मतलब 65 सेंट की एक टिकट यार, मतलब एक टाइम की 30 मिनट की टिकट, जो कि इतनी सस्ती कहीं पे भी नहीं है पूरे यूरोप में। तो यार अगर बात करें लोगों की यहाँ पे, तो भाषा तो इनकी अलग है लेकिन इंग्लिश सभी बोल लेते हैं। और मुझे जो मेरा गाइड था बताया उसने कि बिकॉज़ इतने लोग मारे गए यहाँ से और भगाए गए यहाँ से, तो जो आज की जनरेशन है यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि 2-3 जनरेशन से विल्नियस में रह रहे होंगे। सभी और आस पड़ोस के गांव वगैरह से उठ के आए हैं यहाँ पे लोग। जो यहाँ की ओरिजिनल आबादी थी वो यहाँ बची नहीं है, क्योंकि वो यहाँ तो मार दिए गए या फिर भगा दिए गए। और यार यहाँ पे ना एक फेस्टिवल होता है इनका, उसको बोलते हैं फैट ट्यूजडे फेस्टिवल। उसमें क्या होता है कि ठंड को भगाने के लिए वो एक मार्च सा निकालते हैं और एक उसमें बड़ी सी डॉल बनाते हैं, मतलब वो ठंड है, और उसको एंड में जला देते हैं। तो काफ़ी फन था वो भी मैंने अटेंड किया 2 दिन पहले, तो वो भी दिखाता हूँ अभी आपको मैं। यहाँ पे ये लोग एक्चुअली सेलिब्रेट फेस्टिवल की, मतलब विंटर जा रही है अभी। तो जब डॉल देख रहे हैं बड़ी सी, ये विंटर है, इसको जला देंगे वो। Not much space to move. तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कि एक पहाड़ी पे तकरीबन 1,00,000 क्रॉसेस लगाए हुए इन्होंने। काफ़ी वियर्ड जगह है, काफ़ी स्केरी जगह है, लेकिन इंटरेस्टिंग जगह है। तो एक्चुअली अब काउच सर्फिंग अभी पिछले कुछ दिनों से, तो मैं अपनी काउच सर्फिंग होस्ट के साथ गया था अभी हिल ऑफ क्रॉसेस। तो आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ की फुटेज अब। हाँ जी यार, अभी मैं खड़ा हूँ हिल ऑफ क्रॉसेस लिथुएनिया में। ये एक्चुअली 3 घंटे की ड्राइव है विल्नियस से, इट्स मोर क्लोजर टू रीगा लातविया। तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि पहली बात तो देखिए, यहाँ पे तकरीबन 1,00,000 क्रॉसेज हैं लकड़ी के, मेटल के। इसकी हिस्ट्री यही है कि शुरुआत में बताया मैंने आपको कि लिथुएनिया वॉज ऑक्यूपाइड बाई नाजीज ऑल्सो और सोवियत ऑल्सो। तो उन लोगों ने यहाँ पे बहुत लोगों को मारा है, और जब उनकी बॉडी नहीं मिलती थी उन लोगों की, तो उनकी जो फैमिली वाले होते थे ना, दे यूज़ टू पुट अ क्रॉस हेयर, क्योंकि क्रिश्चियन लोग हैं तो ये जो करते हैं कबर पे लगाते हैं क्रॉस। तो जब बॉडी नहीं मिलेगी तो उन्होंने ऐसी रैंडमली यहाँ पे आके दे यूज़ टू पुट अ क्रॉस। तो उसके बाद सोवियत्स आ गए, और सोवियत्स के राज में क्या था कि भाई भगवान को मानना इलीगल है, क्रॉस लगाना इलीगल है। और तब लिथुएनियंस वर जस्ट डूइंग इट एज अ एक्ट ऑफ रिबेलियन कि भाई सोवियत्स को उंगली करनी है तो क्रॉस लगाना है। तो लोग आते थे रात में यहाँ पे, दे यूज़ टू पुट अ क्रॉस हेयर और निकल जाते थे। लेकिन सोवियत्स को होता था कि भाई जिसने भी क्रॉस लगा उसको जेल में डालो, क्योंकि ऑब्वियसली ना सरकार को उंगली करने वाली बात है। तो फिर उसके बाद में एक बार ऐसे भी हुआ कि सोवियत्स ने यहाँ पे जितने भी क्रॉस थे ना सबको आग लगा दी, और जितने मेटल वाले थे उनको पिघला दिया। लेकिन लोग फिर भी नहीं हटे, उनका जज्बा ये था कि भाई हमें तो फ्रीडम चाहिए। तो जब फिर 1990 के बाद, मतलब 1990 के पहले भी यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6,000 क्रॉसेस थे बचे हुए, जो बच गए थे सोवियत की वो आग से। और लेकिन फ्रीडम मिलने के बाद तो भाई ऐसा हो गया कि अब हर कोई यहाँ पे आता है क्रॉस लगाने। लातविया से आते हैं लोग, एस्टोनिया से आते हैं, बहुत सारे कंट्री से आते हैं। यहाँ पे पोप भी आया था एक बार, तो उसका भी मेमोरियल है अंदर एक। बाकी काफ़ी स्पूकी सी जगह है, अगर आप रात में आओगे तो ये सब देखोगे। अगर आपके इतने सारे क्रॉसेस हैं तो आप तो मेरे ख्याल से थोड़ी डरावनी जगह भी है, बट इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है लिथुएनियंस की हिस्ट्री में, और आज भी लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे छोटे से लेके बड़े से लेके, ये देखिए ये बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, 2 डंडियाँ जोड़ रखी हैं और ऐसा ही क्रॉस बनाया। ये भी देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया, मतलब ज़्यादा कारीगरी नहीं करी, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रॉसेज हैं जिसमें पता नहीं बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। तो इट्स ऑल लाइक मिक्स ऑफ।
अब यहाँ पे कोई भी जब आता है तो यू कैन ऑलवेज पुट अ क्रॉस हियर, मतलब अगर आप भी आ रहे हो तो लोगों ने नाम भी लिखे हुए हैं कि भाई इन दी मेमोरी ऑफ ABC जो भी अपने फैमिली मेम्बर के नाम, लेकिन यहाँ से ले जाना क्रॉस अलाउड नहीं है। तो आप यू कैन पुट अ क्रॉस हियर, लेकिन यहाँ से आप ले जा नहीं सकते क्रॉस को। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि सोवियत्स ने ट्राई किया था इसको पूरी प्लेस को जलाने का, तो कुछ क्रॉस बच गए थे ऐसे जला हुआ पीछे से, लेकिन ये बच गया। मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी, रशियंस जो थे वो एथीस नहीं थे, दे हैड डिफरेंट रिलीजन, राइट। मेरी होस्ट है एक आउट सर्फिंग थोड़ी सी, ही इज अ बिट शाय, ही डजंट वांट टू बी ऑन कैमरा, तो थोड़ी सी वो पता नहीं है, वो जाके देखता हूँ मैं जाके इंटरनेट पे कि क्या सीन है, मतलब एथीस थे या क्या था, आई डोंट नो। बड़ा काफ़ी कम्प्लेक्स है उनका कि क्रिश्चियनिटी भी आगे 10 तरह की होती है, पता नहीं कि ऑर्थोडॉक्स होते हैं क्रिश्चियन, फिर प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, फिर कैथोलिक होते हैं, तो कुछ वहाँ पंगा था इसलिए उनको इशू था क्रॉसेस से। तो हाँ, बाकी आपको दिखाता हूँ मैं जाके शहर में, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए विल्नियस शहर में। तो यार ये देखिए हमारे सामने आ गया अब उज़ुपिस रिपब्लिक, जो पुल के परे जगह है वो उज़ुपिस रिपब्लिक है, अलग से बनारकन रिपब्लिक, मतलब जस्ट फॉर फन, कुछ सीरियस वाला रिपब्लिक नहीं है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए ये है उज़ुपिस रिपब्लिक, इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हमारे चार रूल हैं। पहला रूल है कि स्माइल करने का हमेशा, दूसरा रूल है कि जो स्पीड लिमिट है वो 20 है, तीसरा रूल है कि रिस्पेक्ट द आर्ट, कि जो मतलब यहाँ पे क्योंकि सब आर्टिस्ट लोग रहते हैं तो रिस्पेक्ट द आर्ट। और एक जो फ़नी चीज़ है वो ये है कि भाई ये जो इनका पार्लियामेंट है वो बार के अंदर है, तो उसको बोलते हैं बार्लियामेंट। पार्लियामेंट, और यहीं पे इसकी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आगे जाके बना, मतलब उन्होंने दीवार पे बना रखी है तकरीबन 40 लैंग्वेजेस में, तो दिखाऊंगा वो भी चीज़ में आगे चल के। और ये देखिए क्योंकि ये आर्टिस्ट लोगों ने बनाई है डिस्ट्रिक्ट पूरी, तो काफ़ी आर्ट्स ही है काफ़ी, मतलब इधर भी देखिए आर्ट है। ये भी मतलब ऐसे ही फ़न के लिए बताया था हमारे गाइड ने कि भाई अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो ये पनिशमेंट है तुम्हारी, तुम्हें ऐसे डाल देंगे नदी के अंदर। तो एवरी थिंग इज़ फॉर फन। लेकिन ये देखिए सामने इनका है बॉर्डर कंट्रोल, वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ अंदर जाके यू कैन पुट अ स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट एज वेल, लेकिन अपना भाई इंडियन पासपोर्ट है तो वहाँ उस पर तो नहीं करवाते हम, है ना। अगर आपका अमेरिका का हो पासपोर्ट तो शायद आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, अपना पासपोर्ट पहले ही वीक है तो उस पर और कुछ ऐसी फालतू स्टैम्प्स लगाने से इश्यूज हो सकते हैं। ये यहाँ नीचे मरमेड है एक, तो हाँ ये देखिए ये सामने शॉप है फॉर पासपोर्ट कंट्रोल। तो मतलब उन्होंने बताया मैं कि जब उन्होंने शुरू किया ना, तो यहाँ पे उन्होंने एक दे पुट अ बैरिकेड, जो भी गाड़ी अंदर आएगी पहले अपने कागज़ दिखाओ फिर अंदर आने देंगे। तो 1 अप्रैल को यहाँ पे फेस्टिवल होता है बहुत बढ़िया, और जो इनकी करेंसी है ना, तो इस शॉप के अंदर ना आप जाके यू कैन बाय देयर करेंसी ऑल्सो। अभी इसका रेट शायद 5 यूरो है, इनका जो 1 रुपया जो भी बनता है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये करेंसी से आप लोग बियर खरीद सकते हो, और चाहे जितना मर्जी रेट हो जाए बियर का, इस पे आपको जो भी इनका 1 रुपया है उसकी आपको 1 बियर मिलेगी, लेकिन सिर्फ 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल इनका के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि इनको मिली थी इंडिपेंडेंस। मतलब वही जो इनका जोक है कि 1 अप्रैल को ही हमारा रिपब्लिक बना था। तो ये देखिए ये इनका मेन चौराहा है, और इस चौराहे में आगे एक नलका लगा हुआ है। ये नलका स्पेशल है क्योंकि अभी तो शायद इसमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 1 अप्रैल को इसमें आती है बियर। तो जो भी लोग आते हैं वो सुबह को टाइमिंग होती है कि 10 बजे शुरू होगा, और इसमें से बियर निकलती है, जब तक ख़त्म नहीं होती बियर, तो शायद तकरीबन आधे घंटे तक फ्री बियर यहाँ पे मिलती है लोगों को 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को अगर आप कहीं आसपास हो लिथुएनिया के, तो विल्नियस आ जाना, मस्त जगह है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखी गई है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है इनका, वो तकरीबन 40 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आइए ढूंढते हैं हमारी भाषा इसमें, ये तो रशियन है, ये कुछ जॉर्जियन है शायद, ये हिब्रू इजरायली है, यहाँ पे तिब्बतन भी है आगे, ये रही, और आगे जाके ये देखिए संस्कृत में लिखी गई है। अब अपने को नहीं आती पढ़ने संस्कृत तो, लेकिन ये लिखी गई है पूरी, और ये हिंदी में लिखी गई है आगे। तो संविधान उज़ुपिस गणतंत्र का, और मतलब ऐसे ही काफ़ी फन सा है कि भाई जैसे ये देखिए
ये हर मनुष्य को प्यार करने का अधिकार है, हर मनुष्य को अद्वितीय होने का अधिकार है, हर मनुष्य गर्म पानी सर्दियों में तापन और टाइल्स वाली छत का अधिकार है, और नीचे कुत्ते वत्ते कुछ भी आएगी, एक हाँ एक कुत्ते को कुत्ता होने का अधिकार है, एक बिल्ली अपने मालिक से प्यार करने के लिए आभारी नहीं है। तो काफ़ी फन सा है पूरा का पूरा इनका जो संविधान है। लेकिन और देखते हैं कुछ और पंजाबी में है कि नहीं है, मेरे ख्याल से पंजाबी में नहीं लिखा हुआ। हाँ तो ये पता नहीं कौन सी भाषा है यार, जो इनकी भाषा है ना लिथुएनियन, वो काफ़ी काफ़ी मिलती है अपनी हिंदी संस्कृत से, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो संस्कृत ही हैं। तो जैसे सपने को ये लोग भी सपना ही बोलते हैं, देवी गॉडेस को देवी ही बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, देवी हो गया, सपना हो गया, तो ये जो कॉमन वर्ड्स हैं हिंदी और लिथुएनियन में। अब बात करते हैं कि खाने की, तो इनका खाने में ज़्यादातर पोर्क पाया जाता है, चिकन के कुछ कुछ डिशेज हैं, मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी वो चिकन लीवर का कुछ बना के, साथ में आलू थे और साथ में एलपिनोस थे या पिकल्ड खीरा था, आई डोंट नो क्या था वो, तो वो इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। लेकिन इनकी एक और इनकी डिश है, उसको बोलते हैं सेपलिनी, वो क्या होता है कि आलू की कोटिंग के अंदर मीट होता है, उसके अंदर और मीट डालते हैं, थोड़ा सा फैट डालते हैं, तो वो भी मैंने खाया, तो वो दिखाता हूँ आपको मैं। तो यार ये देखिए, ये इनकी ट्रेडिशनल डिश है, इसको बोलते हैं सेपलिनी, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका अगर आप देखें तो, और इसके अंदर क्या होता है कि बाहर तो आलू की कोटिंग है, अंदर मीट है, और उसके ऊपर भी मतलब ऐसे इन्होंने मतलब पोर्क फैट है, साथ में सावर क्रीम है, तो काफ़ी बड़ा है, मतलब इट लुक्स लाइक अ भटूरा, बट ये मतलब इफ़ आई शो यू द साइज़, जैसे मेरा ये हाथ है अभी, तो इतना बड़ा है ये, पूरे हाथ जितना ही है, तो काफ़ी बड़ा है ये, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है इसका टेक्सचर, मतलब जो आलू है वो मतलब मैश करके बनाया गया है, जो भी कोटिंग बनाई है, अंदर भी पोर्क है, क्योंकि बहुत फैटी सा डाला है ना ऊपर जो उन्होंने डाला लिक्विड सा, तो लाइक जैसे अपना घी होता है वैसे वैसे ऐसा टेस्ट आ रहा है इसका, तो हाँ सही है, आई रेकमेंड दिस वन। तो अभी हम उजुपिस के अंदर ही घूम रहे हैं, ये वो नदी, तो मुझे दिखा यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिस्टिक सा कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए, यहाँ तिब्बतन फ्लैग्स लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से नीचे भी है एक बेंच, कहीं तो देखा था मैंने, हाँ वहाँ है वो आगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है कुछ कुछ। तो ये देखिए, जैसे ये लोग यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, वैसे ये लोग तिब्बत को भी सपोर्ट करते हैं, तो ये लिखा है तिब्बत स्ट्रीट, और यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पर जब मैं आया था तो एक देयर वाज अ स्टैचू ऑफ आइस ड्रैगन, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया क्योंकि पिघल गया, ऑब्वियसली आइस का बना था, तो जैसे अपने होते हैं वहाँ पे डिटो वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दूसरा पुल है, वो लिखा है कि उजुपिस रिपब्लिक ख़त्म हो गया बस, अब इसके आगे आप फिर जा रहे हो लिथुएनिया में, आइए चलते हैं वापस लिथुएनिया में, बाय बाय उजुपिस रिपब्लिक, एक और कंट्री हो गया मेरा। ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी चर्च है, जो उनकी मेन एड कैंपेन है जी स्पॉट वाली, वो इन्होंने मतलब एकदम चर्च के सामने वो शॉट लिया है, तो वो यही वाली चर्च है। अरे चूम बना रखी है अंदर ये, यहाँ भी देखिए सारे यूक्रेन के फ्लैग्स लगे हुए हैं। अभी हम अंदर आ गए हैं, इसके लिखा है साइलेंस। तो देखिए अभी हम आ गए इनके मेन स्क्वायर पे, ये दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखो, तो मतलब ये पहले एक वही था कि फोर्टिफाइड सिटी थी, तो जैसे ये चीज़ें अब यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जब देख रहे हैं ये ऊपर किला सा बना पहाड़ी के ऊपर, वो हो रहा ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वो वाला बड़ा टावर है, वो पहले वॉच टावर ही हुआ करता था, तो जैसे लगा लो कि ये वाला लगा लो, यहाँ पे भी ये वाला होगा, आई डोंट नो, हाँ ये वाला होगा शायद, तो बाकी भी देखिए जो पूरी जो वॉल है ना, उन्होंने ऐसे पूरी वो लाल लाल पत्थरों से पूरी डाल रखी कि भाई पहले ये दीवार हुआ करती थी इस फोर्टिफाइड सिटी की, तो जो किला था इनका ये लिथुएनिया का पहले।
तो यार यहाँ पे ना एक म्यूजियम है जिसके अंदर की करेंसीज पड़ी हैं सारी की सारी, जो बंद हो चुकी है वो वाली भी, और एक मशीन भी है उसमें जिसमें कि आप अपना वजन करते हो एंड देन इट गिव्स यू अ रिसीट की भाई तुम्हारी अगर तुम सोने के बने होते तो तुम्हारी इतनी वर्थ होती, और वो फ्री भी है म्यूजियम। तो यहीं पे कहीं पे है वो, ये तो नहीं है नहीं ये नहीं है, मैप्स में देखता हूँ कहाँ पे है। तो यार ये रहा वो मनी म्यूजियम है शायद ये इसका नाम, हाँ मनी म्यूजियम। तो चलते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए ये है वो मशीन, इंग्लिश में ही है। तो अभी मेरा वजन करेगी मेजर, बताएगी कि अगर मैं गोल्ड का बनाता तो कितनी वर्थ होती मेरी, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से। हाउ मच डू यू कॉस्ट इफ यू वर फ्रॉम गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, इतने यूरो इतने डॉलर इतने जापानीज येन। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये निकल के ये पर्ची देखिए, इसमें अगर लिखा है कि अगर मैं गोल्ड का होता तो मैं होता 4 मिलियन यूरो का, और होता 5 मिलियन डॉलर का। अगली बार जब मुझे कोई पूछेगा ना कि भाई कितने कितने की वर्थ है तेरी, मैं बताऊंगा भाई 4 मिलियन यूरो का हूँ मैं। हाँ जी, तो यार आज नया दिन है और आज हमारे साथ हैं प्रभजोत। तो प्रभजोत लुधियाने से लिथुएनिया आ गए अभी 6 महीने हुए। हाँ जी। तो प्रभजोत स्टूडेंट है यहाँ पे, और आज हम जा रहे हैं यहीं पे आसपास कोई मोनेस्ट्री सी है। तो आज दिन तुम्हारा अच्छा काफी धूप निकली थी आज ना, हमने कहा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, बाकी मेरा भी लास्ट दिन है। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं प्रभजोत से कि लाइफ कैसी है स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंडियंस के लिए यहाँ पे, कैसे मतलब किराया वगैरह फीस वगैरह जो भी है सीन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब ऐसे हैं जो मतलब दे वांट मोर ऑप्शंस ना, कनाडा वगैरह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह से और ऑप्शंस, तो मतलब वो सब छोड़ के प्रभजोत लिथुएनिया क्यों आया, तो वो बात करेंगे हम। ये मोनेस्ट्री की नाम मोनेस्ट्री का त्रिकाय मोनेस्ट्री करके है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से शहर से आधा घंटा दूर है बस पहुँचने वाले, तो कंटिन्यू करेंगे वीडियो को वहाँ पहुँच। तो ये देखो मतलब शहर के बाहर ना सारे घर ऐसे ही मिलते हैं यहाँ पे, टूटे फूटे, मतलब टूटे फूटे तो नहीं है लेकिन पुराने पुराने से हैं। और बात कर रहे थे अभी हम, तो बता था प्रभजोत की काफी सस्ते मिलते हैं घर यहाँ पे, मतलब 40,000 यूरो 50,000 यूरो को घर मिल जाता है। तो सामने ही आ गई हमारी त्रकायल जो भी मोनेस्ट्री है, तो वहाँ पे बैठ के इत्मीनान से हो रही वो उधर है, तो वहाँ बैठ के बात करते हैं आराम से ना प्रभजोत से। तो यार ये देखो वो रही सामने कासल, और इधर भी जमा हुआ है सब कुछ ही, उधर भी जमा हुआ है, लोग इस पे स्केटिंग कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, तो चलो हम भी जगह चल के देखते हैं, शायद नहीं गिरेंगे। तो यार काफ़ी सही सी जगह लग रही है मेरे को तो ये, मतलब ऑलमोस्ट मैंने मिस कर दी थी, लेकिन थैंक्स टू प्रभजोत हम आ गए यहाँ पे। तो प्रभजोत यार यहाँ पे मतलब लिथुएनिया कैसे आना हुआ? यहाँ पे मैं आया हूँ स्टडी वीजा पे। हाँ लेकिन लिथुएनिया क्यों? क्योंकि कनाडा वालों ने वीजा नहीं दिया। एक साल हो गया यहाँ पे, कितने? छह महीने। क्या कोर्स कर रहे हो यहाँ पे? मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ठीक है। और कैसा मतलब फीस कितनी है? फीस 2.5 से 3 लाख के बीच में पूरे कोर्स की। हाँ, एक साल की। एक साल की 2.5 से 3 लाख रुपए है ना? हाँ, यूरो यूरो नहीं ये देखो भाई यहाँ पे बड़े सही माहौल हो रखा है यहाँ पे है। अच्छा तो 2.5 से 3 लाख, अच्छा तो 2 साल का है ये? नहीं, 4 साल का कोर्स। अच्छा ग्रेजुएशन है पूरी ये कि मास्टर्स है? बैचलर्स है। तो 4 साल मतलब कि 10 लाख रुपए। हाँ 10 लाख। और इसमें स्टे जो आप डॉर्मेट्री में इंक्लूडेड है? नहीं, डॉर्मेट्री का अलग होता है, उसका 110 यूरोस पर मंथ। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ओके अच्छा फिर तो मतलब, और मतलब यहाँ पे खाना पीना वगैरह भी मैंने देखा इतना महंगा नहीं है, है ना कि 100 यूरोस पर मंथ हो जाएगा खाना उसमें सारा कुछ। तो सही ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन अभी देखता हूँ, मेरे को सही लग रहा है। और यहाँ पे कितने अपने कितने लोग हैं? अपने पंजाब से हैं लोग, इंडिया से भी हैं लोग, पर इतनी मेजोरिटी नहीं है, पर अब आ रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के इंटेक में। ओके। और बाकी ऐसे मैंने देखा भी यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे
देखो देखते घूर घूर के कि ये कौन आ गया पगड़ी पहन के तो ये फ्रीक्वेंटली होता ही है ये। हाँ क्योंकि इन्होंने सरदार देखे नहीं है। हाँ। तो इनकी गलती नहीं है, ये रेसिज्म नहीं है पर। हाँ मतलब तुम बता मेरे को कि बाकी लोग काफी फ्रेंडली है यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ लोग फ्रेंडली। ओके 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 चलो फिर आगे चलते। वैसे प्रभजोत यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है, तो जैसे बोल्ट डिलीवरी फूड डिलीवरी, तो उसमें कितने के पैसे बन जाते हैं? उसमें ऑन एन एवरेज आपके 300-400 यूरो पर वीक। पर वीक तो मतलब ठीक है, तेरे खर्चे तो आराम से कवर हो जाते हैं ना, सेविंग भी हो जाती होगी आराम से? नहीं हाँ सेविंग भी हो जाती है आप घर। हाँ तो गाड़ी वाड़ी भी ले ली है। हाँ गाड़ी भी। तो सही ऑप्शन है यार, मतलब कनाडा वगैरह जाने से अच्छा तो कि वहाँ पे तो भाई सब चलता है किस्तों पे ना, वहाँ पे तो कोई सेविंग नहीं है। तो मतलब चलो मैं तो नहीं गया हूँ कनाडा कभी, लेकिन मैंने सुना ही अपने दोस्तों से कि थोड़ा सा मतलब दिक्कत है वहाँ पे। यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है ये बोल्ट वाली? तो हाँ बोल्ट वाली जॉब मिल जाती है अगर आप। बोल्ट मतलब फूड डिलीवरी जैसे अपने स्विगी और ये सब होता है। अगर आपको कोई और जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा थोड़ी अलग है वो लैंग्वेज, किसी भी यूरोपियन देश में जैसे होता है तो लैंग्वेज आनी चाहिए उसमें। ओके 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 तो मतलब अभी तक लग रहा है कि सही है? हाँ अभी तक तो बहुत सही है। लेकिन इस कोर्स के बाद में जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब बाद में जॉब वगैरह का? जॉब के लिए आपको किसी और कंट्री मूव करना पड़ेगा। अच्छा सैलरीज अच्छी नहीं है यहाँ पे? सैलरीज अच्छी हैं पर इतना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके फ्यूचर में ठीक है। तो बाकी मारो शाल इतने फिर चलिए। पहले तू जा ना, ना भाई। पहले तू रिस्क ले। कुछ वो है ही यार, कुछ नहीं होता। ओए टूट गया टूट गया। कल चलिए अगे तक भाई तैरना भी नहीं आता। ओ तुरे फिर देख उत्थे भी था तो मैं भी आना थले। हाँ ठीक है बस स्लिप कर रहा, होर कुछ नहीं है, स्लिपरी हो रहा थोड़ा सा। पर भाई हम तो इन जूतों में पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाए, स्वालबार्ड फिनलैंड लैपलैंड, तो आई एम वॉकिंग ऑन वाटर, आई एम जीसस। बोरी सामने सही जगह है, मजेदार जगह। ये देखो भगवान का नाम लेके हम चले हुए हैं इस पे ही, अगर कुछ टूट वूट गई तो आप तक वीडियो नहीं आएगी। ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कि हम बच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई यार। ये यहाँ के कोई पता नहीं क्या समोसा था, इसमें अंदर मीट है चिकन है, तो ये दो चाय कॉफ़ी मिला के भी सारा 10 यूरो में हो जाएगा। ये दो मतलब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सस्ता है यहाँ पर खाना पीना। तो मैंने जितनी भी मील्स करी हैं हमेशा ऐसे 10-12 मतलब एक ड्रिंक और मील 10 में हो जाती है, तो दो लोगों का जो थोड़ी स्नैक है मील नहीं है, बट हाँ स्टिल काफ़ी सस्ता है ये। तो यार 5 बजे काफ़ी शाम सी हो गई है, अंधेरा हो जाता है 5 बजे के आसपास ही, तो अभी जा रहे हैं वापस विल्नियस ही। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और अगली वीडियो में आपको मिलूँगा मैं पोलैंड में। तो आपको अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।